डिसअपॉइंट में आप कार्ड डिसअपॉइंट में बात करेंगे दोस्तों, फास्ट बॉलर का सामना किस तरह से करता है। फास्ट बॉलर का सामना करने के लिए दोस्तों इन बातों का आपको खास ध्यान रखना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे फास्ट बॉलर के सामने बढ़िया बैटिंग कर पाएंगे, बढ़िया चौके और छक्के लगा पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है, आपके उसकी रफ्तार से डरना नहीं चाहिए। जितना आप डरोगे तो वो उतना डराने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों उसका सामना करने के लिए एक ही मैं बात करता हूं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा आपको डर लगता है किसी भी फास्ट बॉलर को, तो एक बात याद रखो, अपने आप को सिर्फ एक ही बात कहे कि मैं बॉल से नहीं डरने वाला। दोस्तों सही बात बोलता हूँ, ये कारगर तरीका है, बस अपने आप को बस एक ही बात बोलते रहो, मैं बॉल से नहीं डरता और उसका सामना करूंगा। क्योंकि अपने आप को जितना पॉजिटिव आप करोगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा, जितना नेगेटिव करोगे तो उतना बॉल लगने ही लगनी है। आप अगर सोच लोगे कि बॉल लगेगी तो वो लगने ही वाली है। तो दोस्तों मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात दोस्तों, आपको फिट रहना जरूरी है। जितना आप फिट नजर आओगे उतना अच्छा तरीके से आप फास्ट बॉलर का सामना कर पाओगे। जब भी मैदान पे बैटिंग करने आए तो आपने आपको फिट महसूस होना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात, कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए आपके फेस से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, कि जितना आप कॉन्फिडेंस नजर आओगे उतना आप बॉलर पे हावी हो जाओगे। बॉलर आपको देखते ही वो आप पे हावी होने का ट्राई नहीं करेगा। अगर आप कॉन्फिडेंस नजर नहीं आओगे तो बॉलर आपको डराने की कोशिश करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा बॉल आपकी बॉडी पे मारेगा या फिर बाउंसर डालेगा या फिर रोल कर डालेगा, पैरों पे डालने की कोशिश करेगा, तो कॉन्फिडेंस नजर आए। दोस्तों चौथी बात, जब आप मैदान पे आए तो पिच को देख ले, जितना पिच सख्त होगा उतना बॉलर को फायदा नहीं मिलेगा, उतना बैट्समैन को ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जितनी रफ्तार ज्यादा निकलती है, जितनी दरारें ज्यादा होगी तो बॉलर को फायदा होगा, बैट्समैन को फायदा नहीं होगा, ज्यादा स्विंग और कटर मिलेगी बॉलर को। तो ये खास ध्यान रख ले पिच को। अगर आप टेनिस क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉल को पटक के देखने का, पिच पे पटक के देखने ना बहुत जरूरी है। चौथी बात, जब स्टांस ले, जब स्टांस लेते हैं तो एक बात याद रखें, अपने पैरों को ढीला छोड़े, ज्यादा वजन मत दे। खास करके आप अगर राइट बैट्समैन हो तो राइट पैर को आपको ज्यादा से ज्यादा पैरों पर वजन नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा मूवमेंट रखना जरूरी है और वजन ना दे। और स्टांस लेने से एक बात खास ध्यान रखें, जब बॉलर बॉल को लेके स्टंप के पास आता है और रिलीज करता है, तब तक के लिए आपको पैड बल्ला है वो नीचे रखना है। जब बॉल हाथ से छूटे तब आपको बल्ला ऊंचा रखना है। ये खास दोस्तों नोट कर ले आप, जब बॉलर बॉल लेके आता है स्टंप के पास, जब रिलीज करता है तब तक लिए आपको बल्ला नीचे रखना है जमीन पे, और जब बॉल हाथ से निकले तब आपको बैट को ऊंचा रखना है। दोस्तों मैं यहाँ पे जो ये बातें बता रहा हूँ ये सब तो खास जरूरी है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट एक बात है, वो है बॉल पे ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, फोकस करना बहुत ही जरूरी है। अक्सर बैट्समैनों की यही गलती है कि तेज गेंदबाज के सामने ज्यादा से ज्यादा बॉल को फोकस नहीं कर पाते, रिलीज तक फोकस करते हैं लेकिन रिलीज के बाद अपनी आंखों को बॉल पे टिकाए नहीं रख सकते। उसका एक ही कारण है, आपका जो दिमाग है उसमें आपको पहले मेडिटेशन करना जरूरी है। जब जितना मेडिटेशन करोगे उतना ध्यान केंद्रित होगा। अपने मेडिटेशन का एक ही बड़ा फायदा है, बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर मेडिटेशन का सहारा लेते हैं ध्यान केंद्रित करने के लिए। दोस्तों रोजाना 5 मिनट सिर्फ आपको देनी है मेडिटेशन को, फिर दोस्तों आप अपनी लाइफ को चेंजिंग कर पाओगे। दोस्तों मेडिटेशन से क्रिकेट से बहुत ही फायदा मिलता है, क्योंकि ध्यान का ही पूरा गेम है। तो 5 मिनट सिर्फ देना है आपको रोजाना, अपनी आंखों को बंद करना है, आपकी सभी सोच को दूर कर देना है, सिर्फ आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है, आपको ऊपर नीचे जो सांस आपकी जाती है उसको पे ही ध्यान देना है। सिर्फ 5 मिनट आप उस पे ध्यान देंगे तो मेरा यकीन नहीं दावा है कि किसी भी फास्ट बॉलर का सामना आप आसानी से कर लेंगे और उसमें चौके और छक्के लगा पाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहे। आगे भी ऐसे बैटिंग के वीडियो है, जो शॉर्ट्स के वीडियो है वो आने अभी बाकी है, तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच।